कटनी, बेखौफ आरोपियों के हौसले किस तरह तोड़े जाते, इसका एक उदाहरण कटनी पुलिस ने पेश किया है, जहां अपहरण, मारपीट व लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को महज चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार किया है। पूरा मामला कटनी जिले के NKJ थाना क्षेत्र का है, जहां दिनभर काम करने के बाद अपने घर रोशन नगर जा रहे राज को तीन लोगों ने पहले तो गाली गलौज दी, जिस पर राज ने माना किया, जिससे बौखलाकर आरोपियों ने अपने अन्य तीन साथियों को बुलाकर राज व उसके दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी और राज का अपहरण कर पड़रिया नदी किनारे ले जाकर बेल्ट और रॉड से बेतहाशा पिटाई की, जिसके बाद उसका मोबाइल, पैसे व अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। वो तो गनीमत रही, राज के मित्र कुणाल जाधव व कुणाल राव परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच राज को इलाज अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज हुआ। पूरे घटनाक्रम की जानकारी NKJTI को दी। मामला संज्ञान आते ही NKJ पुलिस ने आरोपियों पर अपराध क्रमांक 285/21, धारा 341, धारा 294, 506, धारा 365, धारा 354, धारा 323 व 34 के तहत FIR दर्ज की और मुखबिर की सूचना पर दबिश दे चार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनमें दीपक ठाकुर, भानु ठाकुर, अमन परिहार व गोलू यादव शामिल है। बाकी अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है। SP मयंक अवस्थी ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही NKJ पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट गए 19,000 कीमत का मोबाइल बरामद की गई है। वही लूट में प्रयोग हुए बेल्ट, रॉड, चाकू समेत दो गाड़ी जब्त कर ली गई है। NKJ पुलिस ने अपहरण, लूट जैसे संगीन मामले का खुलासा 24 घंटे के अंदर करके एक बार फिर अपने सक्रियता का लोहा मनवाया है, जिससे खुश SP मयंक अवस्थी ने भी NKJ पुलिस को 5,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया है। वो उसके मित्र को मारपीट की गई और पीड़ित को अपनी स्कूटी पर बिठा के करीब 4-5 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी मारपीट करी गई और उसको बेल्ट से मार के उसका मोबाइल और कुछ अन्य सामग्री उससे लूट लिया और वहाँ से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही NKJ थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, धारा 341, 323, 294, 365, 394 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उनके पास से घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और रॉड और चाकू को जब्त कर लिया गया है। विवेचना में जैसी आगे जानकारी मिलेगी कार्रवाई की जाएगी।